हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर राहिल चौधरी, आई डॉक्टर, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कॉर्नियल ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन। कॉर्नियल ट्रांसप्लांट का मतलब है आंख की पुतली को बदल देना। अगर किसी पेशेंट की पुतली इतनी ख़राब हो जाए कि उसका इलाज करना संभव ना हो, तो हम उस पेशेंट की पुतली को हटा देते हैं और एक दूसरे इंसान की पुतली को वहाँ पर लगा देते हैं। इस प्रोसीजर को हम लोग कहते हैं कॉर्नियल ट्रांसप्लांट। जैसे आपने कई बार सुना होगा आंखों का दान करना, आई डोनेशन करना। तो जब आप अपनी आंखों का दान करते हैं, किसी की डेथ के बाद जब अपनी आंखों को वो दान करता है, तो उस दान करी हुई आंख से हम पुतली को निकाल के किसी दूसरे इंसान को नई जिंदगी दे सकते हैं, आंखों की रोशनी वापस दे सकते हैं। तो हम सबको प्लेज करना चाहिए कि मरने के बाद हमें अपनी आंखों का दान ज़रूर करना चाहिए, ताकि किसी अंधे इंसान को नई रोशनी मिल सके। तो आज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ केस, वो पेशेंट, उनकी आंख में केराटोकोनस की प्रॉब्लम थी और केराटोकोनस का उन्होंने सही टाइम पे इलाज नहीं कराया। जैसे मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बताया है, जैसे ही केराटोकोनस आपका डिटेक्ट हो, आपको C3R का ऑपरेशन करा लेना चाहिए। उन्होंने टाइम पे C3R का ऑपरेशन नहीं कराया तो उनका केराटोकोनस बहुत एडवांस हो गया। इतना एडवांस हो गया कि अब C3R का ऑपरेशन नहीं हो सकता और अब एक ही इलाज संभव है कि उनकी पुतली को हटा दो और एक दूसरे इंसान की पुतली को वहाँ पर लगा दो। तो आज मैं आपको कॉर्नियल ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन दिखाऊंगा। देखिए, ये ऑपरेशन काफ़ी लोगों के लिए स्केरी हो सकता है, काफ़ी लोगों को डरा सकता है, तो थोड़ा सा आपको अपनी डिस्क्रिशन का, अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। इसको देखते हुए आपको ध्यान रखना है कि आप डरे ना। देखने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है ऑपरेशन, लेकिन इंसान को रोशनी देने के लिए आखिरी उम्मीद अब यही है। तो आज सारा कुछ आपको दिखाऊंगा, चलिए शुरू करते हैं। तो मनीष का ऑपरेशन है आज, और आप देख सकते हो कि ये जो आंख है इसमें केराटोकोनस इतना ज़्यादा एडवांस हो गया है कि अब इसमें C3R नहीं हो सकता और आगे पूरा सफ़ेद हो गया है, बिल्कुल धुंधला हो गया। तो इस चीज़ को हम ठीक कर देंगे, ये पूरी पुतली हटा के यहाँ पे नई पुतली लगा देंगे। तो मैं दिखाता हूँ कैसे होता है ऑपरेशन। तो ये आप देख रहे हो, ये जो है ये पुतली है जो किसी इंसान ने अपनी आंख को डोनेट करा है, और इसको हम आंख में लगा देंगे। तो सबसे पहले हमने आंख पे थोड़ा सा निशान लगा लिया। तो अब हम जो पुतली जिस इंसान ने डोनेट करी है उसको हम एक स्पेसिफिक साइज में काट देंगे। जी, हमने इसको काट दिया। तो ये आप देख रहे हो, बीच में छोटा सा हमने ग्राफ्ट निकाल लिया है जो कॉर्निया को डोनेट करा है। अब इसको हम पेशेंट की आंख में लगा देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप है, पेशेंट की आंख से जो सफ़ेदी आई है उतना हिस्सा काट के निकालना और वहाँ पे डोनेटेड पुतली को, कॉर्निया को लगाना। सो ये आप देख सकते हो, ये जो पेशेंट की आंख की जो पुतली थी जो सफ़ेद हुई हुई थी उसको काट के हटा दिया है। अब बस इसकी जगह हम जो डोनेटेड पुतली है उसको लगा देंगे। ये देख लो, हट गई। और ये हमने नई पुतली टांग के ऊपर लगा दी और बस इसको अब हम टांकों से सेट कर देंगे। तो ये आप देख सकते हो, ये पूरा हमने पुतली बदल दी है। हाँ, अभी थोड़ी सी वाइट सी दिख रही है, लेकिन अभी कुछ टाइम में ये बिल्कुल साफ हो जाएगी। और ये हमने ये टांकों से इसको बिल्कुल सेट कर दिया है। कुछ टाइम में इन टांकों को भी हम हटा देंगे, ठीक है जी। पूरा ऑपरेशन हो गया, बढ़िया, ठीक हो बच्चे आप? ठीक है। एंटीबायोटिक डाल दो। अब इसमें हमें ये समझना है कि ये जो ऑपरेशन होता है पुतली बदलने का, ये भी दो तरह से किया जाता है। एक तो जो मैंने आपको आज दिखाया
जिसमें हम लोग मैकेनिकल तरीके से काम करते हैं, हाथों से काम करते हैं, सारा कटिंग वगैरह जो है वो हाथों से होती है। एक तरीका होता है कि हम ये सारा ऑपरेशन लेज़र से करें। लेज़र ऑपरेशन थोड़ा सा महंगा पड़ता है लेकिन उसके रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। तो आज मैंने आपको मैकेनिकल तरीका दिखाया कि हम हाथों से कैसे करते हैं। एक और वीडियो दिखाऊंगा, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि लेज़र से कैसे किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी। अगेन मैं ये रिपीट करना चाहता हूँ कि इस तरह की नौबत ना आए तो बेटर है। अगर आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उसका टाइमली इलाज कराना चाहिए। जैसे इन पेशेंट को केराटोकोनस की प्रॉब्लम हो रही थी, तो टाइमली अगर C3R हो जाता तो पुतली बदलने की नौबत नहीं आती। पुतली बदलने का ऑपरेशन जो है अपने आप में एक मेजर ऑपरेशन है, एक बड़ा ऑपरेशन है। इसके बाद काफ़ी सारी आपको काफ़ी महीनों तक गोलियां खानी पड़ती हैं, स्टेरॉइड की ड्रॉप, स्टेरॉइड की गोलियां वगैरह खानी पड़ती हैं। इस तरह की सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। आपको कोशिश करना चाहिए कभी भी आँख में कोई प्रॉब्लम हो इमीडिएटली आप आई डॉक्टर से मिलिए। अगर टाइमली इनका ऑपरेशन हो जाता C3R का तो आज पुतली बदलने की नौबत नहीं आती। तो तब तक के लिए आपके मन में और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल बी बैक सून।